शादी के दिन ये अनाउंसमेंट हुआ, अंकिता शर्मा ने अपने ब्लॉग डालने चालू कर दिए। अभी तुमने ब्लॉग नहीं लिया, उसको डालिए जरूर, मैं लिंक डालूंगा उसके चैनल का। मैं इनको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। ट्रोल कर रही थी, ट्रोल। हाय मैन, आई एम, आई कुड हैव बीन हियर ब्रो, एम आई मोटा? यस यू आर मोटा। पर क्या करे, ये अच्छा लाइफ में एक ही बार लग सकता है। यही बोलने वाला था, क्या क्या ये मेरे को भूल जाते हैं हमेशा। मैं कह रहा हूँ अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। हम सब ने पहली शादी की, पहली शादी हम सब की। गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अपने रिसेप्शन के लिए, और सच बताऊं तो ये वाला लुक मुझे ज्यादा अच्छा लगा जो की रिया ने किया है। बहुत अच्छा आएगा, एक रील बनाना है। मैं और नीतू शादी से पहले चाय पी रहे हैं, बैठ रहे भाई। अब एंट्री का टाइम, उससे पहले दोनों बैठ के दूल्हा दुल्हन चाय पी रहे हैं। मेरे इसमें कुछ नहीं, मैं चाय नहीं पीती। ये मुझे फोटो शूट करा रही थी। गाइस बिछुआ मैंने एक नहीं तीन तीन पहना है, और इतना चुप रहा है ना, मुझसे वॉक भी नहीं करी जा रही। ब्राइड बनना इतना इजी नहीं है सृष्टि, याद रखो। ये मैं सिंगल जितनी भी है सबको बोल रही हूँ, समझ अच्छा आप नहीं हुई जो भी है। मैं कौन सी साइड रहूंगा? ये शाम है जिन सितारों के नाम, ये शाम है जिन दो परिवारों के नाम। Ladies and gentlemen, here we have the beautifully blessed couple, Tara the Bear, Lakhan and Neetu. आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, एंड आई विल रिक्वेस्ट परिवार के सभी सदस्यों से कि आप लोग एक एक कर अपने परिवार के साथ स्टेज पर आएं।
जाएगा वापस। यार अमेजिंग था ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। और जो उस टाइम फील आया वहाँ पे खड़े होकर स्टेज पे एकदम ऊपर जाके वरमाला और सबके नीचे हम रिएक्शन देख रहे, सब इतने खुशी से नाच रहे थे गा रहे थे। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम अच्छा कैप्चर कर पाए और आप लोग देख पाए एक्चुअल में फील कर पाए कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। अभी अब इन दोनों को जाने देते हैं, हम नीचे चलते हैं, उसमें आप अपना ब्लॉग बनाइए। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम मिस्टर एंड मिसेस रावत पहुंच चुके हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था ना अभी ये वरमाला वाला, एकदम वरमाला वाला सबसे अच्छा था। और ये मेरा मेकअप भी लगा उससे डे वाले से अच्छा लग रहा है। नहीं मुझे तो वो भी अच्छा लग रहा था यार। आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा मेकअप अच्छा लग रहा है मुझे। यार दोनों अच्छा लग रहे हैं ऐसा तो नहीं, बट वो थोड़ा ओके ओके गाइज। ये मैं सब पर खनखनाऊंगी, सिर्फ अपनी सोनी दीप पर नहीं खनखनाऊंगी क्योंकि मैंने चाहती हूँ वो जल्दी से विदा हो और मेरे साथ कम से कम रुक कर तो जाए। कितने साल? ये साल नेक्स्ट ईयर विदा। तो गाइस अब वो टाइम है खनखनाने का। मेरे ऊपर आज तक किसी ने नहीं खनखनाया मगर मैं खनखनाऊंगी लोगों पर। फाइनली मैंने अपना उसाफा उतार दिया है, अब डिनर का टाइम हमें मिला है 12 बजे। इस पूरे दिन मुझे नहीं लगता मैं कुछ ठीक से खा पाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया जहाँ तक मेरे को याद है, लेकिन बहुत तेज भूख लग रही है यार। अब तो एनर्जी पूरी चली गई। नीतू खा रही है, बम्मू भी साथ में। बम्मू आपने आज खाया कुछ? नहीं खाया? वाह ओके। नीतू को बहुत ज्यादा अनकम्फर्टेबल थी तो वतन भाई ने अपनी बाथरूम स्लीपर मंगवा दी, इसमें ठीक रहेगा नीतू। थैंक यू। मैंने कुछ खाया नहीं। आज भी खा लिया। आकाश भाई वतन भाई ने कुछ नहीं कहा। खा लो भाई साहब, खा लो खाऊं भाई साहब। आ जाओ आ जाओ, ये तुम्हारे लिए तो लग रही है। बताओ गाइस लखन कहां पर छुपा है? लखन की हालत खराब है मगर शादी के दिन भी हम काम कर रहे हैं, हम ननंद भाभी बना रहे हैं। बेवकूफ है, तुम बेवकूफ हो, मैं तो नहीं हूँ। चलो
गाइस अब मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची है। नीतू अभी भी शूट कर रही है, रात के 2 बजे हैं, मैं सोया नहीं हूँ, खा मैंने लिया, आई डोंट नो नीतू में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा प्यार दिया, व्लॉग्स ट्रेंडिंग पर आए, इसी तरह प्यार देते रहना, ऐसा मत सोचना कि शादी ख़त्म हो गई है, अभी तो रिसेप्शन बचा है, उसके व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे कल, बाय।